बजट था उसके अंदर में इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी जो वास्तव में अगर वो वास्तव में अगर हकीकत बनने के सेट भी लेना शुरू करें, मैं नहीं बोलता हूँ एक साल में इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में एक साल दो साल तीन साल पांच साल में इस देश को बहुत मेडिकल कॉलेज हमारे जो हेल्थ डॉक्टर डेफिसिट अच्छे इसरा बहुत परिवार में बहुत जल्दी विदिन 5 to 10 years सर बहुत बहुत बड़ा ही तो ये जो आज आपने बोलते हैं कि आजादी के समय में हिंदुस्तान के अंदर लोगों का जो लाइफ स्पेन था 35 साल आज 65-67 साल हो गया उसका मुख्य कारण वैक्सीनेशन इस बार सरकार ने कहा है कि जो नए टाइप के वैक्सीनेशन है जो अभी तक कई बीमारियों तक नहीं पहुंच सके हैं इस बार उसके ऊपर में नए वैक्सीनेशन लोगों के पास में जाने वाले तो आज के दिन आप देखेंगे व्यापार सारा जो है डाटा के ऊपर डिपेंड है आज पहले जो कन्वेंशनल बिजनेस थे आज हम लोग बिना मोबाइल के एक मिनट भी नहीं चल पाते तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि पूरे हर जगह में बेटर डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर में और उसके ऊपर में स्ट्रेस करेंगे डाटा सेंटर पार्क बनाएंगे जहां पर लोगों को छोटी छोटी जगहों में जिससे लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोगों को जो नॉलेज बैंक है ये और बढ़ेगा उसके कारण टूरिज्म के ऊपर में गवर्नमेंट ने कहा कि पिछली जो पॉलिसीज के कारण काफी ग्रोथ हो रहा है और पूरे देश के अंदर में 4 जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसको प्रोटेक्शन देंगे कलकत्ता म्यूजियम को अपग्रेड करने की बात की टूरिज्म के अंदर में तो मैं तो ये बोलूंगा कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग का टैक्स रेट्स अगर हम कंपेयर करते हैं आज से 10 साल पहले के पोजीशन में तो बहुत अच्छा है और आप लोग को बता दूं ऐसा नहीं कि हम लोग कोई टैक्स से कम टैक्स देते हैं सरकार ने इधर नहीं पकड़ के घूम के हमारे आप लोगों का कान पकड़ा है पहले वो इनकम पे टैक्स लेती थी आज हम पे एक्सपेंडिचर पे टैक्स लेती है ऐसी कोई चीज नहीं है आज हमारे पास में जिसके में हम टैक्स नहीं देते हैं हम पानी पीते हैं तो उस पे टैक्स देते हैं होटल में खाना खाते हैं उस पे टैक्स देते हैं होटल में रहते हैं उस पे टैक्स देते हैं किसी कोरियर सर्विस को हम यूज करते हैं टैक्सी को यूज करते हैं कोई भी टाइप की सर्विस हम यूज करते हैं पोस्टल यूज करते हैं टेलीफोन यूज करते हैं एक एडवोकेट से सलाह लेते हैं कुछ भी लेते हैं और हम इतना टैक्स देते हैं कि एक जमाने में जब 50-60% टैक्स रहा होगा उस समय इतना टैक्स हम लोग नहीं देते तो आज इनकम टैक्स पे का जो रेट्स है बहुत रेशनल है